मेरा नाम फहमीदा शेख है। हम लोग 92 के पहले से यहाँ पे हैं, पर 92 के बाद हम लोग रहने आए हैं। और तीन चार भाई बहन हैं हम लोग, मम्मी पापा है, अंकल है। इस एरिया के बारे में बताइए, कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे टॉयलेट है। टॉयलेट में टॉयलेट का कोई सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पानी लेने के लिए अगर जिनके घर में है बच्चे तो वो जाते हैं, सुबह कॉलेज का टाइम रहता है, स्कूल का टाइम रहता है। कॉलेज के टाइम पे बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, दूसरे एरिया से जाते हैं, गैलन और कड़ी लेके, साइकिल लेके पानी लेके आते हैं। फिर कॉलेज का टाइम हुआ तो वो लोग कॉलेज चले जाते हैं। बाद में फिर अगर जैसे कभी BMC वालों ने उधर आ गए सुबह सुबह के टाइम, तो जो पानी देते हैं मतलब, तो उन लोग की मोटर ले जाते हैं उठा के, और जो पानी भर रहा है उसका गैलन, साइकिल, कड़ी वो भी ले जाते हैं, और मोटर भी वापस नहीं देते, कड़ी भी नहीं। अगर वो सब लेने जाएंगे हम लोग वापस से, तो फिर उसके लिए हम लोगों को फाइन लगाते हैं कि इतना फाइन भरो तब तुमको तुम्हारी ये चीज़ मिलेगी। यहाँ पर आप कौन सी टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं और क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं खासकर महिलाओं को? यहाँ पे BMC की कोई टॉयलेट नहीं है, प्राइवेट टॉयलेट है, और वो उधर भी 2 रुपया दे के जाना पड़ता है। एक पर्सन के लिए 2 रुपीज़ है, वो 2 रुपीज़ दे के जाओ, उसमें भी पानी गंदा रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो ज़मीन से खोद के अंदर से पानी निकालते हैं, बोरिंग का पानी बोलते हैं जिसको, वो बहुत गंदा आता है, वही यूज़ होता है टॉयलेट के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी पानी नहीं आता है, तो दो दो तीन तीन दिन तक टॉयलेट बंद रहता है। फिर हम लोग को ये एरिया से और एक दो रोड छोड़ के आगे जाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा इसमें लेडीज़ और बच्चों को प्रॉब्लम है। तो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है गंदे पानी के कारण? गंदे पानी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इंटरनल प्रॉब्लम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है, ईचिंग होता है, फिर कोई और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। अभी जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत है, उसके बस में तो नहीं है कि 2 रोड क्रॉस करके फिर वो 3rd रोड तक जावे, और वहाँ और फिर क्या, इधर ऐसा भी नहीं है कि कोई आए करे। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये टॉयलेट है, और ये 5-6 साल हो गए बंद है, इसको कोई आके देखता नहीं है, कुछ करता नहीं है। चाहे नगर सेवक के पास जाओ या BMC ऑफिस में जाओ, बोल के आओ, बस वो बोलेंगे हाँ हम भेजते हैं ऑफिसर को, सर्वे करते हैं, देखते हैं, फिर आके देखेंगे क्या कर सकते हैं। आते हैं लोग, देखते हैं और चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ हम लोग को होती, क्योंकि वहाँ हमारा घर है, ऊपर टॉयलेट पे भी दूसरे एरिया के भी, और हमारे एरिया के भी कुछ बच्चे ऐसे जो जाके ऊपर पॉटी करते और फिर चले जाते, पूरा वो ऊपर भी चढ़ेंगे तो ऊपर भी पूरा गंदा है। हम लोग अपने घर में दरवाज़ा उधर खुला रखे तो इतनी गंदी बास आती है कि रह नहीं सकता इंसान, और बारिश होगी, बारिश के टाइम तो ये पूरा इतना भर जाता है जैसे एक तालाब के जैसे पानी भर जाता है, घर में पानी घुसता है उल्टा। मेरा नाम अकबर अली खान गुड़िया का, मेरे औरत का नाम गुड़िया खान, मेरे लड़के का नाम आयशा खान। हम 2000 में यहाँ पे आए बम्बई में, 2000 से आप मैं ऐसे चल रहा हूँ, जब से कारोबार भी हमारा कुछ नहीं है, और अपना मैं ऐसे करता खाता हूँ। मैडम आप 150 की कमाई है, और जहाँ पे मैं रहता हूँ अपने इस चाली में, मेरे को 2.5-3 साल हो गया है, मैं 2.5-3 साल ये चाली तो हम ऐसे देख रहे हैं मैडम, हमारे घरों में पानी भरता है, हर चीज़ होता है, और पानी की तकलीफ है। यहाँ पीने के लिए पानी भी कैन अपन हमको ख़रीदना पड़ता है, 10 रुपया कैन मैडम, और बाथरूम जाने के जाते मैडम थोड़ा लंबा पड़ जाता है बाथरूम हमको निकलने में, और वहाँ का पीला पानी का प्रयोग होता है, और अपने घरों में जब बारिश का टाइम आता है मैडम तो ये घरों में अपने सांप बिच्छू और क्या क्या गोजर सब का अपने इसमें हल जाते हैं, घर में हो जाते हैं, तो इसे बारिश में बहुत तकलीफ पड़ता है मैडम। गटर जो गया है इससे तो बहुत तकलीफ पड़ती है, हर घर में तो बीमारी फैलता है, और पानी निकलने का कोई जगह भी नहीं है कि पानी निकलने का कोई जगह है, जाकर भी आगे भी अपने सबके घरों में पानी भी इसी का घुस जाता है गटर का। कम से कम 15 मिनट तो लग जाता है बाथरूम के पास जाते होकर, 15 मिनट आधे घंटा मेरे को लग जाता है बाथरूम जाने।
तो बीएमसी का गटर है, मगर हमको भी सर सफाई करना पड़ता है। सब आदमी को इकट्ठा करके ये गटर सफा करना पड़ता है, और ये बाथरूम भी हर सफाई हमको सबको करना पड़ता है। और 2-4 हज़ार रूम है यहाँ का, कभी झोपड़पट्टी है, और हर घर से 20-20 रुपया लिया जाता है महीना आता है, तो उसको बाथरूम सफा करवाने के लिए और ये चाली सफा करवाने के लिए, गटर सफा करवाने के लिए हर घर से 20-20 रुपये लिया जाता है। मेरा नाम भारती पंदिलकर, मैं 10 साल पहला फैमिली प्लानिंग नेशन ऑफ इंडिया में काम करती थी, आरोग्य के ऊपर ही काम करती थी, सिर्फ फैमिली प्लानिंग हमारा फोकस था। उसके बाद मैं अपना लय में 2003 में आई मार्च में, तो अभी तक मैं आरोग्य हेल्थ में ही काम करती थी, पद्मानगर से बस्ती में, पद्मानगर और शांति नगर और चिकुवाड़ी में। सैनिटरी का जो इशू है, इधर साफ सफाई नहीं है, हर गली गली में इतनी गंदगी है, गटर है, साफ नहीं है, जो खाए गए उधर ही फेंक देते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने एक चिल्ड्रन ग्रुप बनाए, एक 8 साल से 12 साल के लड़के लोग हैं और 8 साल से 12 साल के लड़के लोग, ऐसे दो ग्रुप हम लोग ने बनाए। हर उनका फ्राइडे के दिन का, शुक्रवार का हम लोग ने लड़के लोग के लिए एक कुछ विषय तय किए, और वो विषय के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर हम लोग हर इसमें फ्राइडे के दिन उनके साथ हम लोग सत्र लेते हैं। कारण खुद की साफ सफाई, पहले तो उनकी खुद की साफ सफाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनके घर की साफ सफाई, उसके बाद में परिसर साफ सफाई। तभी वो लोग बच्चे बोलते हैं कि हम लोग रोज नहाते हैं, कपड़ा साफ सुथरा करते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्कूल में भी जाते हैं और घर के भी साफ सफाई के ऊपर। कारण ये बच्चों के उसमें बदलाव, हमारी शुरुआत है बच्चों के ऊपर, ये शुरुआत क्या है, कारण घर के बच्चे साफ सुथरे रहेंगे तो परिसर भी साफ सफाई हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो ये बीएमसी लोग आते हैं कचरा डालने के लिए, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि इधर रास्ते में कचरा मत डालो, डब्बा तुम लोग कचरा, जो कचरे का जो डब्बा है वही उसमें कुछ आवाज़ दे के सबका कचरा घर में, जो घर का जो कचरा है वो डब्बे में डालने का काम करो। तो कभी कभी क्या करते हैं, कचरा निकाल के बाजू में रख देते हैं, 4-5 दिन में कचरा उठाते नहीं, तभी हम लोग उनके मुकादम कोई रहते हैं ना चिट्ठी लिखने के लिए। कभी कभी ये लोग आपके इधर देखो मैंने साफ सफाई की, आप लिख के दे दो, क्यों लिख के देने का, कचरा उठाया नहीं उठाया, पहला कचरा उठाओ बाद में हमारी सिग्नेचर हो जाएगी, तभी वो लोग कचरा उठाते, इधर बीएमसी की टीम आती है और कचरा उठा के ले जाती है। इंदिरा नगर के 1400 घर है, उसका पॉपुलेशन भी उतना वैसा ही है, 1400 घर में जो पॉपुलेशन है वो 6,500-7,000 तक है, तो उसमें जो एक ही टॉयलेट इंदिरा नगर का है वो लोग इस्तेमाल करते, आधे लोग पद्मानगर के टॉयलेट में जाते। हाँ, टॉयलेट में जो पानी जाने का रास्ता है ना, वो पाइप है ना फूट गया है, कोई कोई लोग उधर ही घर बांध रहे हैं, तो उसमें बहुत नुकसान होता है। बीमारी इधर बहुत है, ये बच्चे लोग खेलते हैं, उनके खिलौने जाते हैं, इधर टीबी की बीमारी ज़्यादा है, कारण फैलने वाली बीमारी है, ये संसर्ग रोग की इसमें बीमारी है, उसमें मच्छर है तो मलेरिया है ही, उसमें मलेरिया, टाइफाइड है, उसके बाद उल्टी जुलाब तो ज़्यादा ही है, कारण हमारे दवाखंड में हम लोग एनालिसिस जो करते हैं उसमें हम लोग को समझ में आता है कि कितने जुलाब के बच्चे हैं, कितने उल्टी के बच्चे हैं। तभी महिला के साथ हमारा पहचान हो जाती है, हमारे आरोग्य स्टाफ है वो बस्ती में जाते विजिट करते, तभी वो लोग पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है क्या नहीं, तभी वो लोग खुद बोलते हैं कि मुझे उस जगह में इन्फेक्शन है क्या, तो इन्फेक्शन क्यों है वो डॉक्टर के साथ वो लोग चर्चा करते हैं। ये जो जगह है बैगनवाड़ी प्लॉट नंबर 15B3 गोवंडी रोड नंबर 10 है, काफ़ी दिनों से गटर का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे घर पे भी पानी आ रहा था बाथरूम में गटर का, बाजू वाले रूम पे भी पानी आ रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को बोला कि ऐसा ऐसी है बात है कि गटर का पानी जो है बाथरूम में आ रहा है, तो इसको किस तरह साफ़ किया जाए, तो किसी कोई आदमी भी मतलब वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं काफ़ी लोगों को बुलाया दिखाया तो बोलते पब्लिक की 5,000 रुपये लगेगा, यहाँ पे जो है जाने के लिए जगह नहीं है,
इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, आदमी जगह पे मर सकता है। तो कोई बोला 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 ऐसा मांग रहे थे। तो मैंने दोस्त लोग को बोला, अपने फ्रेंड्स लोग को, फारूक अल्ताफ और ताज अली को, जो काफ़ी लोग जो है शिवाजी नगर और कुछ चिक्कलवाड़ी में रहते। तो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो बीएमसी आदमी लोग को बुलाए हम लोग ने, उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये लगेगा और हम लोग 4 जन काम करेंगे और कुछ 6 या 7 घंटे का काम है। तो उसमें कुछ 2 दिन चले गए काम में, साफ हुआ। फिर यहाँ की पब्लिक लोग से जब कंट्रीब्यूट करने के लिए पैसा मांगे कि 100-100 रुपये लग रहा है, अपने चाली में 20 घर है, टोटल 20 घर है, तो सबसे 100-100 रुपये लेंगे तो 2,000 रुपये हो जाएगा। तो कोई 100 रुपये का 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, सब लड़ने पर तुले हुए थे कि हमारा कुछ पानी जाता ही नहीं है गटर में। तो जिस दिन को समझ में आया, सबने 100-100 रुपये निकाल के दिए यहाँ के लोगों ने। जैसा मैंने सिस्टम एक बनाया था कि यहाँ का जो कचरा है तो एक कचर कुंडी में डाला जाए, तो वहाँ पे जो बीएमसी जो वर्कर थे वो लोग डब्बे में उठा के कचरा जो है कचर कुंडी में डालते थे। गवर्नमेंट अगर बनाती है टॉयलेट, जैसा न्यू बना डेमोलाइज करके जब नया बनता है, तो यहाँ के जो पब्लिक लोग है, तो जो पावरफुल है, मतलब दादागिरी से, तो क्या करते हैं वो लोग, अपना जाके ताला लगा देते एक डोर में और अपने पास चाबी रखते हैं। पर्सनली मतलब उनका हो जाएगा, पर्सनली हमारा है कि ये हमारी फैमिली यूज करेगी, इसमें कोई दूसरे को अलाउड नहीं है। यानी बाहर जाए ताला एक की लगा के इसमें ना लॉक कर देंगे बाहर से कड़ी लगा के, और है ना उसमें कोई जा ही नहीं सकता है ब्लॉक है। तो अब आदमी ढूंढते ढूंढते जाएगा, जहाँ भी जो गंदी रहती टॉयलेट उसमें बैठ जाता, उस अपना यूज़ करता हूँ।